हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विषय अफेयर के अंतर्गत हम आपके सामने जानेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीके से रिलेटेड। बहुत ही बढ़िया क्लास है, आने वाले एग्जामों में यहाँ से 101% क्वेश्चन आने वाला है आज के इस क्लास के, आज के सेशन में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। नासा जो है, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, चांद पर भेज रहा है आर्टमिस मिशन। आर्टमिस मिशन क्या है और आर्टमिस ही नाम क्यों पड़ा, ये सभी जानेंगे। इसके लक्ष्य क्या है या फिर ये कितने दिनों तक जा रहा है, और आर्टमिस मिशन या यही जा रहा है या फिर आगे भी किसी आर्टमिस नाम के इस मतलब जो रॉकेट है या फिर जो ये मिशन है या फिर और आगे भी इन फ्यूचर में भेजेगा। ठीक है, इन सभी की जानकारी मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताते चलूंगा, ठीक है, आज की इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि ये कितने उपग्रह को स्थापित करने जा रहे हैं इसके थ्रू। ठीक है, आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों के लिए। ठीक है, हाँ, जैसा कि मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको मैगजीन या न्यूज़पेपर दिखाता हूँ। तो आर्टेमिस जो है, नासा विल ट्राई टू लॉन्च मून रॉकेट सैटरडे। ये सैटरडे तो होना था पर लेकिन ये होगा अब आज के दिन, मतलब 2 अगस्त को। ठीक है, न्यू लॉन्च अटेम्प्ट सैटरडे फॉर नासा मून रॉकेट आर्टमिस 1। इसके बारे में प्रॉपर तरीके से अपने भाइयों को मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मिशन का नाम आर्टमिस ही क्यों पड़ा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना। पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम पर अमित सर जीके के नाम से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम से। आप मेरे से वहां से भी जुड़ सकते हो प्रॉपर तरीके से। कोई भी दिक्कत आए इन कमेंट मुझे बता सकते हो, यहाँ वहां से बात भी कर सकते हो। हाँ, ठीक है, तो शुरू करते हैं। मिशन का नाम है आर्टमिस ही क्यों पड़ा। नासा के पहले ह्यूमन मून मिशन का नाम अपोलो था। ठीक है, ये ध्यान कर लेना, अपोलो 11 के द्वारा, जो कि 1969 में, मतलब आज से 53 साल पहले। ठीक है, वो कौन 3 व्यक्ति थे जो गए थे चंद्रमा पर यात्रा करने के लिए, मतलब चंद्रमा पर उतरे थे, उन तीनों के नाम मुझे इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, अपोलो 11 के द्वारा गए थे। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो और आर्टमिस जुड़वा भाई बहन है, ये इंपॉर्टेंट है। अपोलो क्या है, ये ग्रीक माइथोलॉजी है, उसमें अपोलो और आर्टमिस जुड़वा भाई बहन बताए गए हैं। अपोलो जो कि सूर्य का देवता है, और वहीं पर आर्टमिस जो कि चंद्रमा की देवी है, मतलब कि कुल मिलाकर ये भी देवी देवताओं को मानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता लग गया अपोलो क्या है, आर्टमिस क्या है। ठीक है, अपोलो सूर्य के देवता, आर्टमिस चंद्रमा मतलब चांद की देवी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टमिस 1 जो है, ये 1 जा रहा है, सेकंड जाएगा 2025 में। ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है, ये मानव रहित जा रहे हैं अभी फिलहाल, जो आर्टमिस 1 है मानव रहित जा रहा है। ये चौंकने की बात है कि जो आज से 53 साल पहले मानवों को, मतलब इंसानों को भेज चुका है चंद्रमा पर, वो आज क्यों नहीं भेज रहा इन चीजों को, मतलब मानव को क्यों नहीं भेज रहा वहां पर, ये कुछ ना कुछ उनकी अपना रीजन है, उसको मैं डिस्कस करूंगा इस क्लास के अंतर्गत। दूसरा मैं बता दूं, आर्टमिस जो 1 है वो अब जा रहा है 2025 में, फिर 2 जाएगा, उसमें भी नहीं जाएंगे, उसमें जाएंगे पर लेकिन उतरेंगे नहीं वो चंद्रमा पर। नेक्स्ट है 2031 में वो उतारने की पूरी आशंका है, जो ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो शुरू करते हैं। आर्टमिस 1 जो मिशन है, इसका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बता दूं। मानव रहित मिशन है, पहली फ्लाइट के साथ वैज्ञानिक को लक्ष्य ये जानना है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चांद पर सही हालात है या नहीं। ठीक है, सही, साथ ही क्या एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, जो जाएंगे यहाँ से चांद पर जाने के लिए, पृथ्वी पर सुरक्षित लौट सकते हैं नहीं या नहीं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नासा के मुताबिक जो SLS जो ये रॉकेट जा रहा है, इसमें ओरियन क्रू कैप्सूल चंद्रमा, जिसमें बैठते हैं जो ये एस्ट्रोनॉट्स है। ठीक है, ये जो कैप्सूल है, आमतौर पर क्रू जो होता है, कैप्सूल जो होता है, इसमें एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। ठीक है, और लेकिन इस बार ये खाली रहेगा। यह मिशन 42 दिन 3 घंटे 20 मिनट का है, और जिसके बाद कैप्सूल धरती पर वापस आएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेस क्राफ्ट कुल 20,000 जो स्पेस क्राफ्ट है जा रहा है, 20,92,147 किलोमीटर का सफर करेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2031 में इनका प्लान है एस्ट्रोनॉट्स को उतारने का, कहां पर, मून पर, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मैं बता दूं कि अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जा रहा है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम आपको मैंने सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। शनिवार को छोड़ने जाने के अंतर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये सभी चीजें जिक्र करूंगा कि शनिवार को छोड़े जाने पर, मतलब छोड़ा जाना था, शनिवार को हुआ नहीं है ऐसा कुछ भी। ठीक है, जो और इसमें जो रॉकेट आर्टमिस 1 और ओरियन स्पेस क्राफ्ट पहली प्रशिक्षण उड़ान भरता,
लेकिन ये इसकी ऊंचाई है 382 फिट 22 फिट 98 मीटर लंबी है। मतलब कि लंबा यह रॉकेट नासा द्वारा बनाया गया अब तक की सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इससे बिना चालक दल, मैंने बता चुका हूँ, बिना चालक के मानव रहित है ये, ठीक है। और 42 दिनों की चांद की प्रक्षेपण करने जा रहा है, ठीक है, आर्टेमिस 1। इसमें बता दूं 2025 में नासा का तीसरा मिशन, मतलब फर्स्ट मिशन आपको पता है 53 साल पहले, दूसरा अब, और 2025 में अगला। यह नासा के आर्टेमिस चंद्र कार्यक्रम का पहला मिशन होगा। नासा 2025 में अपने तीसरे मिशन द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना का काम कर रहा है, लेकिन उतारेगा नहीं, वहां पर जाएंगे, घूमकर आ जाएंगे। नासा ने चांद के समीप जाने से पहले उसकी सतह से 60 मील ऊपर ओरियन उपग्रह से प्रक्षेपण की योजना बनाई है, ठीक है। इन्होंने, किसने, नासा के द्वारा 60 मील ऊपर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अब एक और मैं बता दूं, करीब 23 दिन तक अंतरिक्ष में बताएंगे ये, ठीक है, ये जो रॉकेट है। इसमें बता दूं क्या क्या चीजें हैं कि अंतरिक्ष यान के धीरे करने के लिए ओरियन अपने ऑन बोर्ड थिएटर्स को फायर करेगा। चांद के गुरुत्वाकर्षण को इसे कक्षा में पकड़ने में मदद करेगा। इस चरण के दौरान ओरियन चांद से करीब 70,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा और पृथ्वी से अब तक की सबसे ज्यादा दूरी पर पहुंचेगा ये, ठीक है। कुल मिलाकर है कि इस दौरान अगर कोई अंतरिक्ष में कोई एस्ट्रोनॉट जाता तो वो चंद्रमा को और पृथ्वी को एक साथ कैप्चर कर लेता, ठीक है, 70,000 किलोमीटर दूरी तय करेगा इससे। और मैं बता दूं जो ओरियन चांद की जो कक्षा में 6 से 23 दिन तक बिताकर चांद की कक्षा में बाहर निकलने के लिए एक फिर से अपने थिएटर्स को फायर करेगा और खुद को पृथ्वी परिप्रेक्ष्य पर वापस लाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं नोट्स को आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो प्रॉपर तरीके से। और मैं बता दूं इसके द्वारा 10 छोटे उपग्रह भी स्थापित होंगे। अगर आर्टेमिस 1 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाता है, मतलब मून से होकर के वापस द्वारा आ जाता है अपनी पृथ्वी पर, तो यह परियोजना के लिए मील का पत्थर शामिल होगा, साबित होगा। और मिशन के दौरान ओरियन में 10 छोटे उपग्रह को भी अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, जिन्हें क्यूबसेट, इंपोर्टेंट, क्यूबसेट का नाम दिया जा रहा है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। इनमें से एक में खमीर होगा, जो यह देखने के लिए होगा कि चांद पर माइक्रोग्रेविटी और विकिरण वातावरण सूक्ष्म जीवों के विकास को किस तरह से प्रभावित करता है। इंपोर्टेंट है, खमीर नाम है, जो कि वहां की माइक्रोग्रेविटी को, वहां के वातावरण को, ठीक है, उसको जांचेगा। इस दौरान आइस क्यूब चांद की परिक्रमा करेगा और चांद पर बर्फ के भंडार को खोजे करेगा, जो इन फ्यूचर में जो एस्ट्रोनेट जाएंगे, ठीक है, जो यात्री जाएंगे वो उसके उपयोग कर सकेंगे, ठीक है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं, थोड़ा सा क्या क्या चीजें हैं इसमें। SLS मेगा रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को ग्राफिक से समझे, कैसे समझाऊं कि इसमें SLS यह रॉकेट, इसका नाम है, 322 फीट ऊंचा है, 4 इसमें जो रॉकेट लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें फ्यूल यूज हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बता दूं, सर्विस मॉड्यूल है, ये सभी आप देख सकते हो। RL-10 रॉकेट इंजन है इसमें, ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। और सभी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या 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 चीजें हैं। सबसे ऊपर इसमें कैप्सूल होता है, जिसमें जो कि खाली जा रहा है, ठीक है, मानव रहित है, कुल मिलाकर ये कहना है मतलब, ठीक है। आर्टेमिस मिशन की पहली फ्लाइट जो टेस्ट करेगी, पृथ्वी से ऐसे घूमेगा, ये घूम करके फिर चंद्रमा के ऐसे चक्कर लगा करके फिर पूरा वापस आ जाएगा। 42 दिन का मिशन है पूरा, ठीक है, 23 दिन मैंने बता दिया है। और चांद से भी 64,374 किलोमीटर आगे स्पेस क्राफ्ट को प्रक्षेपण करेगा, मतलब स्पेस क्राफ्ट को स्थापित करेगा, कुल मिलाकर ये है, ठीक है। जिससे, जैसे मैं बता रहा था ना कि वहां से ये चांद को और पृथ्वी को दोनों को एक साथ कैप्चर कर सकते थे, ठीक है, इतनी दूरी को, ठीक है। पर लेकिन कोई भी एस्ट्रोनॉट्स कह लो या कोई भी चांद पर जाने वाले यात्री नहीं है तो इसके अंतर्गत तो ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। और मैंने थोड़ी सी डिटेल दे दी है इसकी, इसको आप पढ़ सकते हो प्रॉपर तरीके से। ये हमारी पृथ्वी होगी, ये चांद हो गया। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि इसमें टोटल 1.3 मील्स दूरी होगी, 26 से 42 दिन के सफर होगा, ठीक है, ये कुल मिलाकर इतने घंटे ऐसे स्पीड चलेगा। ये सभी चीजें मैंने इसमें दे रखी हैं, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है मेरे भाई। कोई भी किसी प्रकार से कहीं भी कैसे भी कोई दिक्कत आती है आपको इस क्लास को लेकर के, या फिर जो भी मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है उसको लेकर के, विश्व अफेयर में कोई भी क्लास ऐसी आपको दिख रही है जो कोई परेशान कर रही है या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बता सकता है, ठीक है। आज के सेशन में, आज की क्लास में इतना ही था, ठीक है मेरे भाइयों। और मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज चल रही है CET कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, जो कि हरियाणा से रिलेटेड है टेस्ट ये, ठीक है। उसको ये जो 11वें महीने में, मतलब फर्स्ट वीक में होने वाला है, उन बच्चों के लिए भी वो भी तैयार कर सकते हैं। मेरे इस हरियाणा के जो CET टेस्ट चल रहा है,
प्रॉपर तरीके से। सुबह मैं उसको टेस्ट सीरीज लगवाता हूँ, कुल मिलाकर 30 से 31 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं। हर टेस्ट सीरीज के अंदर 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है, हरियाणा जीके से रिलेटेड। और मैं दूसरी बात बता दूँ, सुबह करंट अफेयर होती है मेरे भाइयों के लिए, ठीक है। करंट अफेयर इतनी बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता हूँ जो कि आप स्टेट पीसीएस तक का बच्चा भी समझ सकता है और नोट्स बना सकता है, नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है मेरे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। ये सभी चीजें मैं सिर्फ यूट्यूब पर देता हूँ, निःशुल्क देता हूँ, ऑन यूट्यूब पर देता हूँ। किसी बात का कैसे भी कोई रुपया नहीं है, बिल्कुल सब कुछ फ्री है आपके लिए, ठीक है। तो आज के क्लास में, आज के सेशन में इतना ही था, और आपको और भी सर्च करना है तो मैं शाम को 5 बजे विश्व फेयर भी करवाता हूँ जो कि आपके सामने क्लासेस हैं। यहाँ से पीडीएफ आपको प्राप्त करने, तो मुझे इन कमेंट मुझे बता देना कि सर यहाँ इसकी भी पीडीएफ दो, ठीक है, तो मैं उसकी भी पीडीएफ डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।